नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ये 20,750 प्लस पोस्ट पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे, जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज के हाईलाइट के बारे में, वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए, जो वैकेंसीज का ओवरव्यू रखा गया, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स कैरियर रिक्रूटमेंट के लिए आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एंड नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बात करें तो यहां पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एंड स्पोर्ट्स कोटा से भी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। सो मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 20,750 प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, एंड जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, साथ ही में ऑफिशियल वेबसाइट आपकी incometaxindia.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। तो देखिए, मिनिमम एज आपकी 18 से 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पर 30 से 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही में टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पद के लिए 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 साल की एज में छूट देखने को मिल जाएगी, एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10 साल की एज में छूट दी जाएगी, ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल के, एंड एससी एसटी कैंडिडेट को 15 साल की एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में एक्सेसमैन कैंडिडेट को यहां पर भी 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है, एंड इसी के साथ में दोस्तों आप जो है अदर कैटेगरी के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहां से चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो भी कैंडिडेट अपना 10th पास कर चुका है, अपनी 12th पास कर चुका है या फिर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर चुका है तो वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को ₹500 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, वहीं एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी कैंडिडेट को ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और कैश कार्ड और वॉलेट का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट रहेगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, फाइनल आपका इंटरव्यू रहेगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। सैलरी के बारे में बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पोस्ट के लिए ₹44,900 आपको पर मंथ सैलरी यहां पर दी जाएगी, टैक्स असिस्टेंट पद के लिए ₹25,500 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, साथ ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए ₹19,000 तक आपको काफी अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए ₹20,200 आपको सैलरी यहां पर मिलने वाली है। एंड इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में, कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने
मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो देखिए जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये सितंबर 2023 में स्टार्ट होंगे और अक्टूबर 2023 आप सभी के लिए लास्ट डेट यहाँ पर रखी जाएगी। अगर सितंबर 2023 में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं एंड दोस्तों एडमिट कार्ड जो है 10 से 15 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी एग्जाम से पहले, एंड इसी के साथ में एग्जाम डेट जो है आपकी जल्दी अनाउंस की जाएगी। सो इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इंपोर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा, सो चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहां पर भी आपको लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो किस लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।